नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। दोस्तों, हाल ही में मुझे एक कमेंट प्राप्त हुआ है मऊई के ऊपर। मऊई के अंदर एक यूजर ने मुझसे पूछा है, सर आपने मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में तो बताया ही नहीं। एक्चुअली में मार्जिन एंड पैडिंग HTML और CSS वाला पार्ट ही है, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में। तो मार्जिन एंड पैडिंग जो है वो क्या होता है, मार्जिन जो होता है वो एलिमेंट है। जैसे एलिमेंट आप लोगों का लेबल है या स्टैक है या स्टैक पैनल है। ये स्टैक पैनल आप लोग मान के चलिए एक एलिमेंट है। तो स्टैक पैनल के जो चारों तरफ का जो बॉर्डर है उससे जो कंटेंट पेज है उसकी जो बीच में जो गैपिंग है वो होता है मार्जिन। ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर एलिमेंट हम लोग मार्जिन कहते हैं, और इनसाइड द बॉर्डर जो होता है वो आप लोगों का होता है पैडिंग। तो एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग मूवी के ट्यूटोरियल में इस चीज को देख लेते हैं। और स्टैक ओवरफ्लो हम लोग यहाँ, सॉरी स्टैक ओवरफ्लो का नाम याद आ गया, वो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। स्टैक पैनल हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है, एड न्यू आइटम हम लोग ऐड करते हैं, और मार्जिन पैडिंग को हम लोग MP से डिनोट कर देंगे, MP डेमो। मूवी पेज ले लेते हैं हम लोग एक MP डेमो, मार्जिन एंड पैडिंग का डेमो हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहां पर मुझे .NET मूवी कंटेंट चाहिए, कंटेंट पेज, और यहां पर उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं MP डेमो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल होगा लेकिन बहुत शानदार एग्जांपल मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिए। और आप लोग जो हैं जल्दी ही एक अच्छी तरीके से .NET मूवी सीखने वाले हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं जल्दी सी वेट करूंगा आप लोगों की तरफ से, एक मेरे पास मैसेज आए कि सर हम नौकरी लग चुके हैं, जॉब लग चुके हैं आपके चैनल से। बहुत अच्छी बात लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअल में। तो स्टैक लेआउट लिया मैंने, यहाँ पर मैं बॉक्स व्यू लेता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग ले लेते हैं ग्रीन, और विड्थ रिक्वेस्ट जो है वो 100, और हाइट रिक्वेस्ट भी हम लोग ले लेते हैं 100। तो ये एक बॉक्स व्यू हो गया आप लोगों के पास। दूसरा बॉक्स व्यू हम लोग लिख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों के पास जो स्टैक लेआउट होता है उसमें आप लोगों के पास कैसे जो कंटेंट होते हैं वो आते हैं, आप लोगों को पता है, या हम लोग यहाँ पर रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता है कि बॉक्स व्यू आप लोगों के वर्टिकली आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। स्टैक लेआउट कंटेंट पेज में स्टैक लेआउट के बारे में क्या रहा है, अच्छा यहाँ पर बंद नहीं किया मैंने उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब मैं इस पेज को MP डेमो को फर्स्ट पेज डिफाइन कर देता हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, MP डेमो। ठीक है, फर्स्ट पेज बना दिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, जो स्टैक लेआउट है उसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूं। अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। बाय डिफॉल्ट जो फिल प्रॉपर्टी होती है वो होती है आप लोगों की पूरी, बैकग्राउंड कलर देता हूं ब्लू। ठीक है, अब यहां पर देखिए, पहले इसका आउटपुट हम लोग चेक कर लेते हैं, ये हो गया। अब मैं इसको विंडोज मशीन की जगह मोबाइल में ही जो है वो हम लोग देखेंगे इसको, पिक्सल 5 में। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है स्टैक ने स्टैक पैनल में दो बॉक्स भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जो कि वर्टिकली अलाइन है। ठीक है, और ओरिएंटेशन जो है वो आप लोगों का यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो अलाइनमेंट है वो है वर्टिकल। ठीक है, सॉरी सेंटर, लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट आप लोगों का यहाँ पर टॉप है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं, देखिए वर्टिकल ऑप्शन, इसमें आप लोगों के पास वर्टिकल ऑप्शन में अगर मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, ये तो स्टार्ट था आप लोगों के पास जो दिखाई दे रहा था। हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में आप लोगों का सेंटर दिखाई देता है, तो अगर मैं इसे सेंटर कर देता हूँ वर्टिकल ऑप्शंस में, ठीक है, तो आप लोगों का जो पैनल है वो कहाँ पर चला जाएगा, पूरा का पूरा बीच में चला जाएगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गई कि अगर मैंने वर्टिकल ऑप्शन जो है वो सेंटर कर दिया तो पूरा स्टैक लेआउट, इसीलिए मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप लोगों के सामने ब्लू किया है, दिखाई दे रहा है सेंटर में चला गया। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल ऑप्शन भी सेंटर कर दूं, ठीक है, तो ये वर्टिकल से खिसक कर नीचे आया सेंटर, हॉरिजॉन्टल से खिसक कर बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को एक व्हाइट स्क्रीन जो है वो दिखाई देने लग जाएगी। ये देखिए सेंटर में आ गया आप लोगों का, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन जो है वो सेंटर में आप लोगों के पास दिखाई देने लग गया। ठीक है,
अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यहां पर हम लोग इसको वर्टिकल ऑप्शन में स्टार्ट कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन भी मैं यहां पर स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये स्टार्ट स्टार्ट जो है दोनों के दोनों ही सॉरी स्टार्ट, ठीक है। तो ये दोनों वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है वर्टिकल ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के कहां पर आ जाएंगे, स्टार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में आप लोगों को जो ब्लू स्क्रीन है वो बार जो है आप लोगों को सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, ये देखिए इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा और रिफ्रेश के दौरान ही आप लोगों को सही लेआउट जो है वो मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आप लोग जो है स्टार्ट और स्टार्ट, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। पहले वर्टिकल ऑप्शन और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन का मतलब, ये जो स्टैक लेआउट है ये अलाइन का होगा। वर्टिकल ऑप्शन है कॉर्नर जो आप लोगों का टॉप है लेफ्ट साइड से, वहां से लेकर आप लोगों का बॉटम जो राइट साइड वाला कॉर्नर होता है वहां तक हमारी बात चलती है एक्स टू वाई डायरेक्शन। एक्स होता है हॉरिजॉन्टल ऑप्शन, यानी कि मैं आप लोगों को ये करके बताऊंगा इसमें आप लोगों को, ये जो है यहाँ पर ये कोना यहां से लेके ये है एक्स डायरेक्शन, तो अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो ये यहां पर आ जाएगा। और वर्टिकल जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल हो गया ये वाला पोर्शन। तो अगर मैं वर्टिकल में पोर्शन में एक्स कर दूंगा तो ये आ जाएगा और इसमें एक्स कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये सेंटर का मतलब ये यहां पर आ जाएगा जहां पर ये जो है आप लोगों का कीवी दिखाई दे रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये देखिए स्टार्ट पोजिशन दोनों की कीवी है, दोनों बॉक्स की टाइप की जो है स्टार्ट पोजिशन हम लोगों ने कीवी है। अब मैं अगर इसका जो जो बैकग्राउंड कलर है ठीक है वो हम लोगों ने क्या दिया हुआ है ब्लू, ठीक है, लेकिन ये जो ब्लू है वो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं उसको सेंटर एंड फिल कर दूंगा, फिल एंड एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये फिल हो जाए। जैसे कि वर्टिकल ऑप्शन में मैं फिल एंड एक्सपेंड कर देता हूं तो ये वर्टिकली जो है पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। ये देखिए ये वर्टिकली पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक फिल हो गया। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में भी फिल एंड एक्सपेंड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो स्टैक लेआउट है स्टैक जो है पैनल है वो पूरा पूरा हॉरिजॉन्टली भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली भी फिल हो गया, वर्टिकली भी आप लोगों का फिल हो गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अगर मैं यहां पर फिल कर देता हूं तो क्या होगा, तो ये जो है स्टार्टिंग में समझाना जरूरी था मार्जिन एंड पैडिंग के, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने फिल कर दिया, आप लोगों का यहां पर दिखाई दे रहा है वह जो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी है वो इसकी वर्टिकल बाय डिफॉल्ट, तो मैं ओरिएंटेशन जो है वो इसका कर देता हूं हॉरिजॉन्टल। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल किया तो दोनों डिब्बा कहां पर दिखाई देंगे, इसके आइटम्स के वो हॉरिजॉन्टली आप लोगों के अलाइन होंगे। ये भी फिलहाल तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन किया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप लोगों का हॉरिजॉन्टली दोनों जो डिब्बे हैं वो अलाइन हो जाएंगे। बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, वर्टिकल ऑप्शन हॉरिजॉन्टल ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया, फिल फिल, तो ये सारा का सारा जो है वो ब्लू कलर से फिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट में हम लोग इसको क्या कर देते हैं, स्टार्ट स्टार्ट पे ले आते हैं, स्टार्ट एंड एक्सपेंड, ये देखिए स्टार्ट स्टार्टिंग जो पोजीशन है वो यहां पर आप लोगों के पास आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोगों को मार्जिन एंड पैडिंग सीखना है, ठीक है। मार्जिन मैंने क्या बोला, जो एलिमेंट आप लोगों के पास है यानी कि स्टैक लेआउट, ये जो स्टैक लेआउट है इसमें आप लोगों की मार्जिन क्या प्रॉपर्टी होगी, मार्जिन में सबसे पहले लेफ्ट पे दिखाया जाता है, फिर टॉप पे, फिर राइट पे, फिर बॉटम पे। मार्जिन में यहाँ पर अगर 20 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर लेफ्ट टॉप राइट बॉटम सभी में 20 ऐड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बॉक्स जो है यहाँ से साइड में छूट चुका है थोड़ा सा। तो अगर मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ इसको पूरा, ठीक है, इसको भी मैं फिल कर लेता हूँ तो ओरिएंटेशन में सेट अपना ही कर देता हूँ वर्टिकली बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये जो मार्जिन है उसमें आप लोगों को ये जो ब्लू कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इससे आप लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 20 का जो मार्जिन है वो यहाँ पर छोड़ा गया है। तो ये तो होता है मार्जिन आप लोगों का कि ये जो एलिमेंट है बाहर वाला, ठीक है, इसका मार्जिन हम लोग सेट कर रहे हैं, इसकी पैडिंग हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिन हो गया 20, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 40,
यहां पर मैं कर देता हूं 20 और यहां पर मैं कर देता हूं 30, तो ये हो जाएगा लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है आप लोगों को कैसे कैसे दिखाई देगा वो आप लोग देखिए, ये देखिए, तो ये हो गया लेफ्ट से आप लोगों का 20, ये हो गया 40, ये हो गया 30 और ये हो गया आप लोगों के 20 और ये हो गया 30। तो ये तो होता है आप लोगों का मार्जिन, समझ में आ गया आप लोगों को। अब यही चीज अगर मैं पैडिंग के साथ आप लोगों को दिखाऊं तो पैडिंग में मार्जिन हटा देता हूं तो वो जो स्पेस आप लोगों को ब्लू कलर का दिखाई दे रहा वो नहीं दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ तो जो एलिमेंट और उसके बीच में जो स्टेक लेआउट के बीच में जो गैप है वो आप लोगों को दिखाई देगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो दिखाई नहीं देगा। अगर मैं इसमें स्पेसिंग दे दूं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों एलिमेंट के बीच में स्पेस आ जाएगा, लेकिन अगर मैं पैडिंग देता हूं 20 की तो इसका मतलब है कि स्टैक लेआउट और इन जो पहला है उसके बीच में आप लोग गैप देखिएगा। तो ये देखिए मार्जिन नहीं छूटा लेकिन इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो 20 का दिखाई दे रहा है। अब मैं हॉरिजॉन्टल ऑप्शन जो है वो स्टार्ट कर देता हूं, अब आप लोग देखिए हॉरिजॉन्टल ऑप्शन जैसे मैंने स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट में आ गया लेकिन ये वर्टिकल ऑप्शन में फिल है। तो यहां से यहां तक का जो गैप है आप लोग देखिए, इसमें यहां से यहां तक का जो गैप है पैडिंग है वो 20 की है या नहीं है, ये 20 की है या नहीं है, तो इस दोनों के बीच में ये 20 की है, ये भी 20 की है, ये भी 20 की है, यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें मैं हॉरिजॉन्टल जो ऑप्शन है उसमें मैं कर देता हूं फिल। अब आप लोग फिर से देखना इस चीज को, तो ये जो गैप है ठीक है यहां से लेके यहां तक वाला, ये आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोग स्टार्ट पोजिशन पर यहां पर आ सकेंगे। ठीक है, तो जो मैंने इसमें सिखाया आप लोगों को स्टार्ट, और यहां पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, देखिए एंड एंड एक्सपेंड, स्टार्ट फिल एंड एक्सपेंड, सेंटर एंड एक्सपेंड, ये सारा सब कुछ लिखा गया है इसमें। ठीक है, तो अपन फिल कर देते हैं इसको, स्पेसिंग 10-20 की होगी पैडिंग। अब ये देखिए पैडिंग जो मैंने बताई आप लोगों को इसमें, इसका मतलब यही हुआ कि यहां से लेके यहां तक जो है वो 20 की पैडिंग हो गई। ठीक है, 40, 50, 20, ये वही है जो मार्जिन आप लोगों का है, वही पैडिंग आप लोगों की इसमें भी आप लोगों को दिखाई देगी। तो ये जो पैडिंग है यहां से लेके ये जो पैडिंग है इसका मतलब ही यही है कि आप लोगों के पास ये है। ओरिजेंटल ऑप्शन में हम लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं तो आप लोगों को ये क्लियर कट ही दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि वर्टिकल में तो ऑप्शन फिल है तो ये आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगी कि ये तो 20 है, ये 40 है, ये 50 है यहाँ से यहाँ तक का गैप, और ये 20 का छोड़ा गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो आप लोगों का आ गया। अब मैं अगर पैडिंग लेफ्ट से 0 कर देता हूँ, ठीक है, कि कोई भी पैडिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों के पास नहीं है, तो ये देखिए चिपके हुए दिखाई देंगे इस ब्लू कलर वाले के। लेकिन अगर मैं साथ में मार्जिन भी दिखा देता हूँ कि मार्जिन मेरी लेफ्ट में 10 है, तो बॉक्स जो है वो आप लोगों का दिखाई देगा कि लेफ्ट में 10 छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बॉक्स तो आप लोगों का यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए देखना, ये देखिए 10 की यहाँ पर मार्जिन छोड़ दी, लेकिन ये बॉक्स चिपके हुए हैं ब्लू कलर वाले के। तो ये हो गया आप लोगों का पैडिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये होती है मार्जिन एंड पैडिंग। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें, और नहीं आया तो फिर भी मैं दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करूँगा कि मार्जिन और पैडिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।